में आप देखते हैं? भी है कि सबको एक भाषा बोली बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी बारी कल तुम्हारी बारी, और छुटभैये को पकड़ेंगे, छुटभैये को प्रताड़ित करेंगे, तो बड़े भैया लोग ना बोले, लेकिन अब बड़े भैया को भी आप प्रताड़ित करेंगे तो छुटभैये को तो खुद अपने आप ही औकात पता चल जाएगी कि जो है अगर जब उनके साथ ही ऐसा कर सकते हैं तो हम किस खेत की मूली। सिसोदिया के साथ जो है कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से देख रहे हैं, अखिलेश यादव भी जाके वहां उन्होंने कुछ कहा ममता बनर्जी के पास, अब जो है उनको भी समझ में आ गया कि ये कुछ भी कर सकते हैं, खाली इनको लग जाए। अखिलेश भी उत्तर प्रदेश में बब बब के बोल रहे हैं कि हम 80 सीट जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सूत्रों वाला कार्ड अलग खेल रखा है उन्होंने। तो सवाल इस बात का है कि जब अपने दरवाजे पर जो है वो क्या कहते हैं यमराज आगे खड़े हो जाते हैं तो पता चलता है ना कि मौत का जो है क्या कहते हैं असली तांडव क्या है। तो अगर उसमें नहीं बोलेंगे, नहीं साथ आएंगे तो कहां जाएंगे, इनके में कौन बोलेगा अभी बताइए। अगर राहुल गांधी ने को कुछ हुआ और इन्होंने नहीं बोला, और फिर जो गलत है वो गलत है। अब सवाल इस बात का है कि मैं आज दिन भर कई चैनलों को भी देखा, हमने कई जगह भाषणों को भी सुना भाई लोगों के, कि साहब इन्होंने अपनी गैलेक्सी ऑफ वकील की जो टीम है उसको नहीं लगाया कांग्रेस ने। अब मक्खी का शिकार तोप से किया जाता है, जो बात शुरू से है कि क्या कहते हैं बिल्कुल गलत फूटिंग पर यह मुकदमा चल रहा है, और गुजरात में न चलता कहीं और चलता तो हो सकता है खत्म भी हो गया होता बीच में, कि किसी पर्टिकुलर आदमी जिसके लिए कहा गया है उसके अलावा चौथा आदमी, पांचवा आदमी, सातवां आदमी। तो बात वही है ना कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों है? तो सब उसमें जो है वो सारे मुसलमान जो है खड़े होकर कहने लगते, हम कहते हैं लोग आए दिन कहते हैं कि सरकारें भ्रष्ट होती है, न्यायपालिका जो है वो भ्रष्ट हो गई है, तो सारे लोगों पर जो है वो क्या कहते हैं मानहानि का मुकदमा चलाते। जब तक पर्टिकुलर जिसको कहा जाए अगर वो प्रताड़ित ना हो, वो जो है वो मानहानि का मामला ना करे, तो इस तरह का मानहानि का मुकदमा चलता है क्या जिस तरह चल रहा है? तो ये लोग अच्छी तरह से मुतमईन थे कि जो है वो क्या कहते हैं ये चौथे आदमी ने जो किया है वो कहीं से पार्टी नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। और आज भी अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है प्रथम उसमें जो इनको जब दोषी ठहराया गया कल, तो उन्होंने इन सब बातों को जो है बहुत ही रेखांकित किया कि जो अभी जजमेंट नहीं मिला लेकिन जो पढ़ने आया उसके हिसाब से ये सब इसमें डिफॉर्मिटी है और ये आगे चल के ठीक हो सकती है। लेकिन यही दूसरी बात एक और भी है कि अगर जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जैसे ही आपको 2 साल की सजा, न्यूनतम 2 साल की सजा हो गई या 2 साल से अधिक हो गई, आपकी संसद सदस्यता, विधानसभा सदस्यता चली जाएगी, तो उस आधार पर तो राहुल की चली गई है, तो मेरिट पर बाद में मामला डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर जज साहब वो जो मजिस्ट्रेट साहब है, ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट का है, ये डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट का नहीं है, तो मजिस्ट्रेट साहब अगर ईमानदार होते तो 1 महीने के लिए सजा को भी स्थगित कर देते, 1 महीने में आप जो है ऊपर की कोर्ट से जाइए, हमारी समझ से ये था लेकिन इसकी पुष्टि करा लीजिए, तो उन्होंने भी मैक्सिमम सजा दी ताकि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आजम खान को जो है मैक्सिमम सजा दी गई ताकि जो है उनकी सदस्यता चली जाए, बाकी होता तो 6 महीने के लिए होता, 3 महीने के लिए होता, आपका ये होता कि साहब प्रोबेशन पीरियड दिया जाता कि आप इंदा ऐसा कुछ मत कीजिए। हेट स्पीच इतनी होती है, जो मान लीजिए कि अगर मोदी को उन्होंने चोर कहा तो वो हेट स्पीच की श्रेणी में है, हेट स्पीच इतनी होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मुकदमा चल रहा है और एक आदमी को जो है मतलब से हेट स्पीच में दंडित नहीं किया गया। चौहान के जो है खुलेआम अपने चैनल पर जो है क्या कहते हैं आपके विश्वमन जो है मतलब रोज करता है, आपके अर्णव गोस्वामी विश्वमन रोज करते, इस तरह तमाम चीजें हैं आपके इनके मंत्री। अब आपने जो अभी पूर्व वक्ता ने कहा रिजू वाली बात कि उन्होंने सीधे सीधे हटाया, ये क्या किसी शरीफ आदमी की बोली है, ये केंद्रीय मंत्री की बोली है या गुंडे मवाली की बोली है कि सबको दंडित किया जाएगा? और उन्होंने पूरे जगहों को नहीं धमकी दी, उन्होंने वर्तमान जगहों को भी धमकी दी कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग में जो है शामिल हुए, क्या कहते हैं आपको क्यों न माना जाए, आप इस तरह सरकार के बारे में चल रहे हैं। देखिए एक समय था जब सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ढाल बन के खड़ा होकर सब उनको रिलीफ देता था, नोटबंदी से लेके आपने बहुत, और इस समय सुप्रीम कोर्ट हर मामले में उनको खड़ा कर रहा है। लेकिन आज ही एक फैसला आया है एमआर शाह की कोर्ट से, उन्होंने यूएपीए को कहा है कि पहले जो मार्कंडेय काजू और ज्ञान सुधा मिश्रा ने जो जजमेंट दिया था कि जो है वो क्या कहते हैं कोई आदमी किसी भी प्रतिबंधित का सदस्य हो संगठन का, अगर वो हिंसा में लिप्त नहीं है तो उसको उसके आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता सदस्यता के आधार पर।
आज इन्होंने कहा कि नहीं सदन से होगा तो भी दंडित होगा, एम आर शाह, सी टी रवि कुमार और एक तीसरे जज कोई थे, तो आज जो है इतना जो है बीच में जो इनके खिलाफ चल रहा था तो आज फिर एक हवा का झोंका आया। अब जस्टिस एम आर शाह के बारे में कहना नहीं चाहता, हमारे जितने वक्ता यहाँ है आप हैं, आप स्वयं जानते होंगे कि जस्टिस एम आर शाह का सब क्या बैकग्राउंड है और कितने वो हमारे प्रधान सेवक के प्रशंसक है। अब एक नया मामला बिल्किस बानो वाला जो चल रहा था, आज अभी देख रहे हैं कि 27 तारीख को सुनवाई होगी और कोर्ट बन गई है जस्टिस के एम जोसेफ और नागरत्ना की, जो कि बहुत ही मतलब क्या कहते हैं ईमानदार बेंच है। अब देखिए इसमें क्या फैसला आता है। ये चारों तरफ लड़ रहे हैं सर, ये जुडिशरी से लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी से लड़ रहे हैं, ये ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, ये अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं, महाविकास अघाड़ी से लड़ रहे हैं, 14 दल चले गए वहां के साथ दुरुपयोग हो रहा है, और फिर अब ईवीएम पर भी एक हफ्ते 10 दिन में आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, वो 2 साल की सजा से डरते नहीं, और इसलिए जो है हम लोगों को भी विशेष चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सदस्यता जाएगी तो जाएगी, लेकिन वो जो है इनके लिए इतना बड़ा डेंट बीजेपी के लिए साबित होगा जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेनी पीपल माइट बी स्केर्ड ऑफ द बीजेपी, ऑफ नरेंद्र मोदी, ऑफ द आरएसएस, ऑफ द पुलिस, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम, इन द लीस्ट आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम, एंड दैट इज देयर प्रॉब्लम। Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people, they cannot do it to me. And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me, it does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. To fight the violence and hatred that the BJP and RSS are spreading. Now there is a confusion in the mind of the Prime Minister, of the BJP and of the RSS. They are under the impression that they are India. They think that they themselves are the whole of India. The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. He is one individual citizen of this country. हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।